मुंह से बदबू आना, जिसे कहते हैं हैलिटोसिस। गंदी सी स्मेल मुंह से आती है, खराब ऐसी दुर्गंध मुंह से आने लगती है, और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली शिकायत है। सबसे बुरा असर जो इसका होता है वो होता है कॉन्फिडेंस के ऊपर। जो पेशेंट्स मैंने हैलिटोसिस के देखे हैं, उसमें एक आम चीज़ जो मैंने पाई है वो है, ऐसे लोगों का आत्मबल जो है, कॉन्फिडेंस जो है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में वो चले जाते हैं, उनको एक हीन भावना उनके अंदर जागृत हो जाती है। लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, लोगों से कॉन्फिडेंटली मुलाकात करना, ये वो जैसे भूल ही जाते हैं, और उनकी लाइफ में काफ़ी दुखद एक्सपीरियंस उनको होने लगता है। किसी के साथ वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। तो ये हैलिटोसिस है क्या? ये मुँह से आपके क्यों बदबू आती है? क्या इसके प्रोबेबल कारण होते हैं? इसके कौन से कारण हो सकते हैं? इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे आप पहचानेंगे? सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? और क्या ये पूरी तरह से होम्योपैथी से ठीक हो सकता है? इन्हीं सब सवालों के बारे में और इसके बचाव के बारे में, क्या आप बचाव की चीज़ें कर सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। अगर आपको ऐसी तकलीफ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी, ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देते रहता हूँ। अगर अभी तक आपने डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाइए डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि जिनको भी ये समस्या है, जिनको भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी उनकी समस्याओं का समाधान मिल सके। आज बात करते हैं हैलिटोसिस के ऊपर, मुंह से दुर्गंध आना। सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण आपको हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात तो होगी कि मुंह से दुर्गंध आएगी। किसी के सामने अगर आप जाओगे तो आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा, सामने वाले भी शायद हो सकता है आपको देख के थोड़ा सा पीछे सरक जाए, उनको भी महसूस हो कि आपके मुँह से बदबू आ रही है करके। इस मुँह के बदबू के साथ साथ आपके मसूड़ों में स्वेलिंग भी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं जिंजिवाइटिस। उसी के साथ साथ आपके मसूड़ों में शायद हो सकता है दर्द हो, ये भी एसोसिएटेड सिम्टम इसमें हो सकता है। कुछ लोगों में पाया जाता है कि उनके मसूड़ों से खून भी निकलता है, ब्लीडिंग होता है। कुछ लोगों को गले से रिलेटेड कुछ तकलीफें होती है, निगलने में कुछ तकलीफ होती है, या फिर मुंह में छाले आ जाते हैं, जिसे हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं। इसके ऊपर भी मेरा एक अलग से वीडियो है, ये आप ज़रूर देखिए। तो ये एक लक्षण इसमें हो सकता है। कभी कुछ पेशेंट्स में पाया जाता है उनको नाक से रिलेटेड कुछ समस्या होती है, नाक उनकी बहती है, या फिर अगर इन्फेक्टिव ये है तो आपको बुखार भी इसमें रह सकता है, या फिर खांसी और बलगम भी रह सकता है। ये हो गए इस हैलिटोसिस में एसोसिएटेड सिम्टम, यानी कि मुंह की बदबू और साथ में रहने वाले लक्षण। अब ये समझते हैं कि ये आपको होता क्यों है, इसका क्या कारण है, क्या वजह है। इसके कारण समझने के पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जनरली हमारे ओरल कैविटी में, हमारे मुंह में काफ़ी बैक्टीरियाज होते ही है, लेकिन अगर ये बैक्टीरियाज ज़्यादा प्रमाण में हो जाए, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए, अलग अलग जगह पर इन्फेक्शन हो सकता है पूरा ओरल कैविटी में, आपके मुंह में, आपके दांतों में, मसूड़ों में, आपके गले में, आपके चेस्ट में, आपके डाइजेशन से रिलेटेड, ये सभी जो सिस्टम यहाँ से यहाँ तक के कनेक्टेड है, इसमें अगर कहीं पर भी समस्या है तो आपको ये समस्या बढ़ सकती है, आपको ये जो हैलिटोसिस की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मसूड़ों में तकलीफ है, जिसे हम कहते हैं जिंजिवाइटिस, आपके जो गम्स है, जो मसूड़े हैं, वो अगर सूजन उसमें आ गई है, उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कुछ लोगों में पायोरिया की शिकायत होती है। पायोरिया यानी क्या? यहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने की वजह से मसूड़ों की जो दुर्गंध है वो आपके मुँह से निकलती है, और जो दुर्गंध मुँह से आने लगती है, जिसे भी हम हैलिटोसिस कह सकते हैं। तो ये एक इसमें मुख्य कारण होता है, मसूड़ों से रिलेटेड बीमारियाँ। अब ये क्यों होगा? अगर आपके मुंह की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, आपका क्लीनिंग अच्छा नहीं है, रात को आप खा के सो जाते हैं, आप ब्रश नहीं करते हैं रात को सोते वक्त, तो हो सकता है ये इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, इसकी वजह से ये तकलीफ हो। या कुछ लोगों के दांतों के ऊपर एक परत सी जम जाती है, जिसको हम प्लाक कहते हैं, इसकी वजह से भी ये समस्या बढ़ सकती है। आपके दांत में अगर कुछ आपने खाया हुआ है वो वैसे ही सड़ गया तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। कुछ लोगों के मुंह में बार बार छाले आते रहते हैं, जिसे हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं, ये भी कारण हो सकता है, जिसकी वजह से आपके मुंह से दुर्गंध आए। कुछ लोगों के मुंह में लार जो है वो कम बनती है,
सो ये भी एक कारण हो सकता है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले ही बताया, आपका डाइजेशन अगर अच्छा नहीं है, अगर आपको कंस्टिपेशन है, आपको कब्ज की समस्या है, तो इसमें भी काफ़ी पेशेंट्स में पाया गया है कि जिनका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, जिनको पचन की बीमारी होती है, अपच होता है, ऐसे लोगों में डाइजेशन बिगड़ने की वजह से उनके मुंह से जो है वो बदबू आने लगती है। और ये हैलिटोसिस की जो समस्या है उनमें कॉमनली देखी जाती है। कुछ लोग बहुत पानी कम पीते हैं, वो ऑफिस में है, बिजी है, पानी पीना भूल जाते हैं, इससे भी उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो ये भी एक समस्या हो सकती है जिसकी वजह से ये हैलिटोसिस का जो लक्षण है आप में दिखे। तो आपको डायग्नोस करना चाहिए, आपको खुद में देखना चाहिए कि क्या आपको कहीं मसूड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी है, क्या आपकी डाइजेशन से रिलेटेड बीमारी कोई है, क्या आप पानी कम पीते हैं। कुछ लोगों में खाने पीने की जो आदतें होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, मसाले की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, चाय, कॉफ़ी, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें जो है ये आपके हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकती है, आपके डाइजेशन को भी डिस्टर्ब कर सकती है, और जिससे मुंह से जो बदबू आने की समस्या है वो भी बढ़ सकती है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में कैंसर के जैसे भी लक्षण पाए जाते हैं। सो इसीलिए इस बीमारी में डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना चाहिए, खुद के मन से ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, आपने डेंटिस्ट को एक बार दिखा देना चाहिए। वो पूरा चेक करेंगे, आपके ओरल कैविटी को देखेंगे, आपके दांतों को देखेंगे, कोई कोई इन्फेक्शन है क्या, कोई इन्फ्लामेशन है क्या, वो सब चेक करके डायग्नोस करके आपको बताएंगे। क्योंकि ये भी इसमें कारण, मुख्य कारण होते हैं जो निदान करके डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ पेशेंट्स में साइनोसाइटिस की समस्या होती है, तो साइनोसाइटिस भी इसमें एक कारण होता है। साइनोसाइटिस क्या है, क्यों होता है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसके ऊपर भी मेरा एक अलग से वीडियो है, ये वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। साइनोसाइटिस एक कारण होता है। फेफड़ों से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है, अगर आप ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, या आपको लंग्स से रिलेटेड कोई तकलीफ है, तो ये भी एक कारण हो सकता है हैलिटोसिस का। इसलिए ये भी डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गए कॉमन कारण। ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया ताकि आप खुद भी डायग्नोस कर सके, देख सके खुद के अंदर कि आपके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स है, ताकि जब आप डॉक्टर के पास जाए डायग्नोसिस करने के लिए, निदान करने के लिए हेल्प हो। हैलिटोसिस में सबसे ज़रूरी बात होती है इसकी ट्रीटमेंट। और याद रखिए, होम्योपैथी से ये तकलीफ पूरी तरह से ठीक हो सकती है, लेकिन पहली चीज़, ज़रूरी चीज़ है डायग्नोसिस कराना। ये हो क्यों रहा है, क्या ये आपके मुंह से संबंधित है, क्या ये आपके दांतों से संबंधित है, क्या ये आपके गले से संबंधित है, क्या ये साइनस से संबंधित है, क्या आपके डाइजेशन से संबंधित है, या आपके लंग्स से रिलेटेड है, ये पहले डायग्नोसिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक बार डेंटिस्ट को दिखाइए, एक बार आपके नज़दीकी जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर है उनको दिखाइए। होम्योपैथी की आप ट्रीटमेंट लीजिए। होम्योपैथी में अगर कोई भी कारण है तो उस कारण की जड़ तक पहुंच के ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपको साइनोसाइटिस है तो हम उसके बारे में आपको डिटेल में पूछेंगे, आपके स्वभाव के बारे में पूछेंगे, आपके व्यक्तित्व के बारे में पूछेंगे, आपके कंस्टिट्यूशन के बारे में पूछेंगे, पूरा स्टडी करके फिर हम आपको ट्रीटमेंट देंगे, जिससे ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। सो कॉन्फिडेंस कम करके मन ही मन हीन भावना उत्पन्न होने की बजाय इसको परफेक्टली डायग्नोस करके इसके ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। पूरी तरह से ये बीमारी ठीक हो सकती है और आप पूरी तरह से इससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्टिव डिसीज़ ज़्यादातर रहता है और ये पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। सो होम्योपैथी लीजिए। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे नगजोमिका है, सल्फर है, मर्कसॉल है, कार्बोवेज है, नेट्रम्यूर है, ऐसी काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन खुद के दिल से कहीं पढ़ के कोई मेडिसिन नहीं। एक्सपर्ट डॉक्टर से ओपिनियन आप ले सकते हैं, आप मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, अकोला में मेरा क्लिनिक है, आप क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप करके कंसल्टिंग भी आप कर सकते हैं, ताकि इस बीमारी से आप पूरी तरह से ठीक हो सके। और उसी के साथ साथ कुछ बचाव की चीज़ों की तरफ भी ध्यान दीजिए, जैसे आपको आपके मुँह के क्लीनिंग की तरफ ध्यान देना है। रोज़ सुबह शाम आप ब्रश कीजिए, खाने के बाद में आपने गुल्ला करना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गुटखा, टोबैको, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो इसे बंद कीजिए। बीड़ी, सिगरेट अगर आप पीते हैं तो इसे कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। चाय, कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा लेते हैं ये भी कम कीजिए। अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप बंद कीजिए या जितना हो सके कम कीजिए। पानी भरपूर पीजिए, पानी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाहर की चीज़ें पूरी तरह से बंद, ब्रेड, बिस्किट, पिज्ज़ा, समोसा, कचौड़ी, इन चीज़ों को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। हेल्दी डाइट खाइए, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, फलाहार कीजिए, रोज़ एक फल आपने खाना चाहिए, और उसी के साथ साथ थोड़ा एक्सरसाइज चालू कर दीजिए।
पैदल घूमना आपके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपका जो फ्लो है बॉडी का वो अच्छे से मेंटेन रहेगा, आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। सो हेल्दी डाइट की तरफ ध्यान दीजिए, खान पान की तरफ ध्यान दीजिए, और ध्यान रखिए कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देना है। इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।